331, 332, 333, 341, 342, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, सागर सागर ये जी 17 8 सागर है भैया। एक गोली लिखो, गोली लिख दो, साढ़े पास गोली लिख दो, मेरे को नहीं लिखो, खड़ा हो जा, लिखो साढ़े पास हो सागर जाते भाई। आज सागर खेल और 9 8 3 गोली लिखो, गोली आप लोग 151 रुपए। ओ जीतू भाई गोली लिखो 150 रुपए। हां हां बिल्कुल बिल्कुल 151। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं, तस्वीरें आप टमाटर की देख रहे हैं। जो टमाटर एक वक्त 5000 रुपए प्रति क्रेट तक बिक रहा था, वो 431 रुपए तक की बोली मैक्सिमम आज लगी हुई है। स्थिति टमाटर की आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति में अब टमाटर पहुंच चुका है। टमाटर के लगातार भाव अब गिरते जा रहे हैं और यही वजह है कि किसानों के जो चेहरे हैं अब मायूस होते जा रहे हैं। किसान क्योंकि किसानों को अपना लागत को पूरा करना भी अब मुश्किल हो गया है और उन किसानों की चिंताएं और भी बढ़ गई है जिन किसानों ने टमाटर के फसल के लिए खेत ठेके पर लिए हुए हैं या आदि पर लिए हुए हैं, उन्हें पूरे पैसे का भुगतान भी करना होगा। 331 रुपए तक की बोली खरीदने को तैयार नहीं और इसमें ऐसा था कि बोलिए भी 1200-1500 रुपए के आसपास बिक्री और हाथों हाथ उसे खरीद रहे थे। सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पर नासिक का टमाटर हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे, सोलन सब्जी मंडी में नासिक का टमाटर 300 रुपए के हिसाब से बिक रहा है और लोकल टमाटर के भाव आप तस्वीरों के देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर की बोली है इस वक्त लगी हुई है। हमारे 271 रुपए नए माल की बोली ठीक है। ये बना जी सुपर माल भैया, 5 के लिए बना जी 311, 16, 331 रुपए जी। अजय सकलानी जी का पंजाबी टीवी में स्वागत है और जो हमारे जुड़े हैं और सभी दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनसे आग्रह रहेगा कि इस टीम को लाइव टीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बागवानों तक किसानों तक सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के क्या भाव चले हैं, सब्जियों के क्या भाव चले हैं जानकारी मिले क्योंकि किसान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है और उन्हें भाव किस तरह के मिल नहीं रहे हैं और उन्हें पता लग सके कि सोलन सब्जी मंडी में किस तरह का टमाटर इस वक्त बिक रहा है। देश भर में अलग अलग ध्यान थोड़ा कम हुआ है उसकी वजह से थोड़े दाम भी कम मिले हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि बहुत सारे किसानों तक सोलन सब्जी मंडी के टमाटर के रेट पहुंचे। किसानों क्योंकि टमाटर के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं और किसान इस वक्त बेहद परेशान है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त तस्वीरें हैं और ज्यादातर आप खरीदार देख रहे हैं, ज्यादातर चंडीगढ़ हैं। चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में खरीदार यहां पर टमाटर की खरीद के लिए पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि चंडीगढ़ के खरीदार है थोड़े महंगा टमाटर खरीद रहे हैं, अदरवाइज बड़े खरीदारों के भरोसे रहे हैं तो टमाटर के किसानों को ऐसे रेट भी ना मिलेगा। 371 दो बोलियां जी, 381 दो बोलियां जी, 400 रुपया जी, 400 जय जी भैया, जय भैया, 400 रुपये पीके सी जय भैया। अपने भैया हाथ जोड़ रहे हैं भाई, हमको नहीं चाहिए 400। हां तुम लोग और आप देख रहे हैं 400 रुपए में अब टमाटर खरीदने के लिए। हाँ जी 311 रुपए की बोली आप देख रहे हैं, टमाटर आपके सामने है किस तरह का टमाटर है। टमाटर में 371 रुपया जी 372 बोलियां जी 383 रुपया जी 391 रुपया जी आरती 351 रुपया जी जेपी नहीं नहीं मैंने बोला, अच्छा तेने नहीं बोला 341 रुपया जी। पीके सी उंगली तो मार रहा था यार, ओवर तो तेरे को बाद में आ जा, कोई सब हट गए पीछे।
सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त आप देखें, टमाटर की बोली लगी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप टमाटर की बोली को देख सकते हैं कि किस तरह का भाव इस वक्त चले हुए हैं। चंडीगढ़ के सबसे अधिक खरीदार यहाँ पर 13 ग्रेड के लिए लगा लो 411 300 380 380 380 400 400 चगड़िया तो है साधु और 421 रुपए में टमाटर की क्रेट। ये 12 भाई 12 के लिए बड़ा जी 411 12 क्रेट के लिए आप टमाटर की बोली लगी है 321 रुपए जी 320 रुपए जी 341 रुपए जी 350 रुपए जी 360 रुपए जी 360 रुपए जी 370 रुपए जी 376 रुपए जी 376 रुपए आती411 आप लोग टमाटर देखे हो गया ना 6 के लिए बना जी 111 16 एक 170 रुपया जी 141 रुपया 155 रुपये सागर हो गया ना सागर रख दू ना इसको 155 रुपये सागर 6 जी लो जी भैया सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टमाटर की यहाँ पर बोली लगी हुई थी, टमाटर के क्या भाव रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किशोर भाई अब जुड़ गए हैं जो टमाटर की बोली लगाकर फ्री हुए हैं। किशोर भाई, टमाटर के दामों में कल जैसी है, कोई ज्यादा ना तेजी ना डाउन दिख रहे हैं? जी राम राम जी। हाँ, जो टमाटर के जो दाम है भाव जी वो कल जैसे ही है, 111 से लेकर 150 200 250। बहुत ही सुपर माल जो नीचे बिछे हुए थे ये आपके सामने है, 400 रुपए बिके एक आधे लोट जी, बाकी 300 और 320-30 रुपए रेट रहा जी, 300 350 रुपए। नासिक का टमाटर हम देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी में भी पहुंचा हुआ है, आ चुका जी, तो 300 रुपए प्रति ग्रेड के हिसाब से बिक रहा है, तो उसकी तुलना में हमारे कुछ लॉट बढ़िया बिक रहे हैं जी। जो नासिक का जो टमाटर नीचे से जो पूरा आया ये आज कम से कम ये 900-1000 रुपए क्रेट आया, 1000 क्रेट आया जी सोलन मंडी में। अच्छा, और जो ये टमाटर बेच रहे हैं ये विद क्रेट बेच रहे हैं जी, 300 350 रुपए। अच्छा, विद क्रेट विद क्रेट ओके, तो इसमें ये लगा लो हिसाब किताब की 250 रुपए टमाटर है जी। अच्छा। और 100 रुपए के आप क्रेट टमाटर का क्रेट लगा लो, 350 रुपए विद क्रेट टमाटर बेच रहे हैं, तो इसकी तुलना में चलो हो सके तो हमारा ठीक ही बिक रहा है। नया माल जो है, जो नया माल है वो 300 350 रुपए बिका तो ठीक ही है। तो ये इसका मतलब है कि पूरे देश में टमाटर के भाव गिरे हुए हैं, तो किसानों की तो हालत काफी नाजुक हो गई है। किसानों की हाल तो बहुत नाजुक होगी जी, यहाँ तो चलो नीचे से 80 रुपए क्रेट चला है जी, 80 या 90 रुपए क्रेट चला है नीचे से, तो आप हिसाब किताब लगा लो 200 रुपए पर खर्चा है, 290 रुपए, 100 120 150 रुपए खर्चा है। तो बरसात के सीजन में टमाटर का उत्पादन इसका मतलब काफी अधिक हुआ है पूरे देश में। जी जी जी, जो ये रोड जो रेट तेज रहा ना जी, उसकी वजह से जो टमाटर लगा वो अधिक लगा, अधिक लग गया। हाँ जी हाँ, इस टाइम तो बम्पर क्रॉप्शन है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा है कि जिसमें रेट था इधर क्या करना, जिसमें रेट था ना उसमें तो सब लोगों ने बोला भी कि 4000-5000 बिक रही है, मंदी में कोई पूछ नहीं रहा, अब रेट जिम्मेदार कहाँ जाए। ये इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि बरसात का जो सीजन है, बरसात के सीजन में हम देखते हैं कीटनाशक दवाओं का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है गर्मियों की तुलना में, और खर्चे भी बहुत अधिक है। पर जिस तरह से टमाटर की क्रेटे कोई 200 कोई 300 और 400 रुपए के आसपास बिक रही है, तो किसानों को काफी नुकसान हो रहा होगा। हाँ जी, अगर हम खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा एक क्रेट के ऊपर?
दवाइयों के ऊपर ज्यादा है। अच्छा, क्रेट, क्रेट अगर क्रेट के हिसाब से हम खर्चे को काउंट करना, हम अपना किराया लेते हैं। अच्छा जी, मंडी में अलग कटता है, जैसे पर क्रेट किराया कटेगा, क्रेट का अलग कटेगा, उसी हिसाब से जो लास्ट वाले जिम्मेदार है इनको बहुत नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान। और आप देख रहे हैं कि जो किसानों की स्थिति है, बरसात का सीजन जो किसानों ने लगाया हुआ है उन्हें काफी इस वक्त घाटा उठाना पड़ रहा है। और स्थिति ये होगी कि जिन्होंने ठेके पर जमीनें ली है उनके पास तो ठेके का पैसा देना, रकम देना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। और हमारे साथ एक और किसान जुड़ गए हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रवि राणा जी। रवि जी कहाँ से आए हैं? मैं हूँ तो नेपाल का हूँ। हाँ, पर इधर पास ही सेरी गांव से। सेरी गांव में आपने टमाटर लगाया जी। तो टमाटर कितने खेत, कितने पौधे लगाए हुआ आपने? ठेके पे लगाया था जी, कुछ 5,000 रुपए। 5,000। तो गर्मियों का भी लगाया था? बस यही चल रहा है, यही मतलब मिक्स बीच में लगा। हाँ। तो आपको जब आपके सीजन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त क्या भाव था? उस टाइम तो बढ़िया था, बढ़िया था। मतलब 1,500 से ऊपर टमाटर, तो जब 1,500 के आसपास उस वक्त मिल रहा था तो कभी उम्मीद की थी कि टमाटर इस तरह का भाव गिरेंगे कि अब स्थिति वो आ गई है? उस टाइम भरोसा नहीं। अच्छा जी, 1,200 मतलब ऐसा था कि 1,200 के आसपास बिकेगा? अभी तो देखो आपके सामने 150-200 रुपए। और किसानों का बस्ता कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, पर जैसे आपने ठेके पे जमीन ली होगी तो ठेका भी देना होगा, तो क्या लग रहा है कि ठेके की रकम पूरी हो जाएगी इस अमाउंट में जैसे टमाटर बिक रहा है? अगर इसी अमाउंट में अगर शुरू से जाता तो मुश्किल था। अच्छा जी, ये तो बीच में आपका एक बार रेट आपको थोड़ा ठीक मिल गया होगा, लेकिन जो प्योरली बरसात के सीजन के ऊपर डिपेंड है तो उसके तो किसान की स्थिति और नाजुक हुई होगी। और एक किसान है हमारे साथ जो जुड़े हैं, सेरी के हैं, आसपास के क्षेत्रों के हैं, और आप देख रहे हैं कि किसान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। 1-1.5 महीने के लिए टमाटर के रेट जरूर बढ़े थे, लेकिन उस वक्त टमाटर की फसलें को नुकसान भी बहुत अधिक हुआ था। बरसात का आपने सीजन लगाया हुआ है तो आपकी फसलों को तो काफी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बारिशें लगातार हुई है। बहुत नुकसान सर। तो कितना माल नुकसान हुआ होगा? आधा नुकसान हुआ, क्योंकि उस टाइम बरसात का भी था, मतलब बरसात की भी मार पड़ी है, रेट की भी मार पड़ी है। और आप देख रहे हैं कि किसान को इस बार जो फसलें हैं फसलों का नुकसान भी बहुत अधिक हुआ, क्योंकि बरसातें बहुत अधिक हुई है। और जो यहाँ इस वक्त किसान हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने बीच का सीजन लगाया हुआ था बरसात और गर्मियों के बीच में, तो गर्मियों में जब सीजन की इनकी शुरुआत हुई थी तो उनको अच्छे दाम मिल गए थे, लेकिन अब इनके सामने ही दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किराया के लिए मुश्किल हो गया, किराया भी मुश्किल हो गया जिस तरह से हमारे को बात बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? रमेश जी। आप भी सेरी से आए? तो आपने कितना पौधा लगाया हुआ? 8,000-9,000। परिवार के कितने सदस्य लगे हुए हैं? 6 सदस्य हैं। और आप देख रहे हैं 6 के 6 सदस्य खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, रेट इनको मिल नहीं रहा है। अगर उनकी मजदूरी, अगर आप अपने परिवार की पूरी मजदूरी जोड़ दें तो जिस तरह से भाव बिक रहे हैं तो मजदूरी पूरी हो जाएगी 50-60,000 रुपए की। और आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपए की दिहाड़ी भी इनकी पूरी होने की उम्मीद नहीं है इस वक्त किसानों की हालत है। अभी तक 11-12 बज गया मंडी में। अच्छा। और जब टमाटर के रेट बढ़ रहे थे तो हर बंदा चर्चा कर रहा था कि बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए हैं, और उस वक्त कहा जा रहा था कि किसान माला माल हो रहे हैं। और काफी समय बाद किसानों को टमाटर के अच्छे रेट मिले थे, लेकिन बरसात में करीब 2-3 वर्षों बाद इस तरह की स्थिति आई हुई है कि टमाटर के रेट 400 रुपए से नीचे पहुंच गए हैं, और कोई सही माल 400 रुपए के आसपास बिक रहा है। एवरेज अगर टमाटर की एवरेज रेट निकाला जाए तो 200-250 रुपए के आसपास टमाटर बिक रहा है उसकी वजह से। और जो खर्चा है तो किसानों का कहना है कि एक क्रेड पर अगर अपनी मजदूरी भी जोड़ दे, कीटनाशक दवाओं का भी खर्चा जोड़ दे, खादों का खर्चा जोड़ दे, बीज का भी खर्चा जोड़ दे तो करीब 400 रुपए क्रेड के ऊपर खर्चा बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टमाटर बिक रहा है वो 250 रुपए प्रति क्रेड के हिसाब से बिक रहा है, तो उसकी वजह से अगर अपनी मजदूरी किसान निकाले तो किसानों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है। ये सिचुएशन इस वक्त आई हुई है, और ज्यादातर किसानों ने ठेके पर जमीनें ली हुई है और उनकी थोड़ी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की है, और किसान आप देख रहे हैं बड़ी दूर से आए हुए, नेपाल से आए हुए हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मौसम की मार है, मौसम की मार इस तरह की पड़ी है, पहले गर्मी
पहले भारी बरसातें हुई, बरसातों से फसलों को नुकसान हुआ, फिर बाजार में जो मंडियों में टमाटर पहुंचा तो टमाटर के रेट किसानों को नहीं मिले हैं और आप देख रहे हैं कि किसान इस वक्त काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की है, टमाटर के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। 200-250 रुपए के आसपास से टमाटर की क्रेट बिक रही है, जबकि नासिक का जो टमाटर है वो 300 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में भी विद क्रेट बिका है। विद क्रेट कहेंगे क्योंकि उसमें क्रेट भी साथ ही दी जा रही है। तो इस तरह का सिचुएशन इस वक्त किसानों की जो पहले कहा जा रहा था कि जब गर्मियों में टमाटर के रेट बढ़े हुए थे तो माला माल भी किसान हो गए, लेकिन ऐसी सिचुएशन ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि माला माल हो गए। कारण था कि बहुत सारा टमाटर उस वक्त भी खराब हुआ था, बारिशें जो बेमौसमी हुई थी, करीब 60% फसल को नुकसान हुआ था, 40% फसल से किसानों ने अपना मुनाफा भी कमाया और जो अपने खर्चे वो भी पूरे किए। लेकिन अब किसानों को अपने खर्चे पूरे करना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल इस वक्त हो गया है। तो सोलन सब्जी मंडी से फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।